नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हरियाणा की न्यूज तो आपने सुनी होगी। मुझे इतने सारे लोगों के मैसेज आए, सर कि ये जमीन अपने आप उठ रही है हरियाणा के अंदर, इसके बारे में कुछ वीडियो बनाओ, ये जमीन क्यों उठ रही है, आप कुछ तो बताइए, इस तरीके के टॉपिक्स पर आप वीडियो बनाते हो। देखिए, जो जमीन उठ रही है, मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगा। शुरू में जब मैंने ये न्यूज देखी तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, भरोसा ही नहीं। मैंने कहा ये चल क्या रहा है, मुझे एक सेकंड के लिए फेक न्यूज लगी, लेकिन एक्चुअली में ये हुआ है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। और मैंने इसके लिए कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि देखो मुझे पता ही नहीं कि ये हो क्यों रहा है। अब अलग अलग थ्योरीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो भी अभी के लिए यहाँ पे बोली जा रही है। अलग अलग लोग नाना प्रकार की यहाँ पे थ्योरीज दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि अर्थक्वेक आया, वॉल्केनो आया। देखिए, अर्थक्वेक वॉल्केनो का तो यहाँ पे कोई सीन है ही नहीं, उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। कुछ लोगों ने बोला मीथेन ट्रैप है, तो मीथेन ट्रैप वाला एंगल एक बार हम लोग यहाँ पे खंगालेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीथेन ट्रैप नहीं, चूंकि मीथेन होती तो अगल बगल जो लोग खड़े हैं वो मर जाते। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मीथेन नो डाउट एक डेंजरस गैस है, और अगर किसी इनक्लोज्ड स्पेस में मीथेन जैसी गैस आपके पल्ले पड़ जाती है तो वो आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मीथेन एक इनक्लोज्ड स्पेस में बहुत जल्दी ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। और आपको पता है कि एयर कंपोजिशन में ऑक्सीजन 21% होती है। हालांकि अगर एयर कंपोजिशन में 18% तक भी ऑक्सीजन हो तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल अगर 16% से नीचे चला जाता है तो भाई आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। अब देखिए, जमीन भले ही उठी और अच्छी खासी क्वांटिटी में जमीन उठी, लेकिन इसके आसपास का एनवायरनमेंट भी तो देखो। अगर मीथेन यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में निकली भी होगी तो आप आसपास का इलाका भी देखो, ये कोई इनक्लोज्ड स्पेस नहीं है कि इतनी मीथेन यहाँ से निकल गई और आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा देगी। तो ये जो थ्योरी है कि इसमें से मीथेन निकली और आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा देगी, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ, मीथेन ट्रैप वाली थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में मीथेन का एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएशन देखा जाए, और खासकर राइस फील्ड्स के साथ एसोसिएशन देखा जाए, एक वेबसाइट उठाई मैंने यहाँ पे, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इस सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये एक्चुअली में जो लेमोंट कैंपस है कोलम्बिया यूनिवर्सिटी यूएसए का, उसकी वेबसाइट पर मैं गया और मीथेन फॉर्मेशन के बारे में मैं कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ रहा था। डेफिनेटली जिन लैंड्स पे राइस उगाया जाता है वहां पे मीथेन फॉर्मेशन होता है, ये बहुत नॉर्मल बात है। और ये मीथेन फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि जो वेटलैंड होता है, अब वेटलैंड में ऊपर पानी है, पानी के नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया एक्टिव होता है जिसका नाम होता है मिथेनोजिक बैक्टीरिया। और इस मिथेनोजिक बैक्टीरिया की वजह से ऑर्गेनिक मैटर का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है। एनारोबिक ब्रेकडाउन मतलब वो ब्रेकडाउन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, कोई भी फ्री ऑक्सीजन वहां पे नहीं है और ब्रेकडाउन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, और उसकी वजह से यहाँ पे मीथेन क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे मैं चीजें आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसमें सॉयल रिडक्शन, पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल फ्लडेड राइस सॉयल्स होते हैं जहां पे सॉइल टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वहां पे बिल्कुल एप्ट कंडीशन बनती है मीथेन प्रोडक्शन के लिए, और बिल्कुल आपको वही कंडीशन यहां पे बनती नजर आ रही है। आप इस पर्टिकुलर लैंड को देखो, ये वेटलैंड है, अभी तो जमीन उठ रही है, इससे पहले तो पानी पानी था ना। हो सकता है जमीन पे पहले राइस उगाया गया हो, तो प्रॉपर वेटलैंड है जिसमें हो सकता है पहले राइस की खेती हुई हो, तो पूरे चांसेस है कि यहाँ पे मिथेनोजिक बैक्टीरिया एक्टिव हो और वो वहां पे मीथेन प्रोडक्शन कर रहा हो। लेकिन अब एक लॉजिक है बस यहाँ पे, कि जब भी मीथेन प्रोडक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, एकदम से जमीन को ऐसे नहीं उठाता है। तो अंदर मीथेन गैस अगर ट्रैप हुई है तो वो कैसे ट्रैप हुई है, इसके बारे में देखिए ज्यादा किसी को डिटेल जानकारी है नहीं। अभी करनाल का ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो अपने इंस्पेक्टर्स को और इंजीनियर्स को यहाँ पे भेजेंगे और वो यहाँ पे आके अपने सॉइल वॉल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। मुझे लगता है इसमें कुछ डिफरेंट चीज निकल के आएगी। देखिए, काफी हद तक पूरे चांसेस है कि ये मीथेन के साथ एसोसिएटेड है। अब 100% तो देखिए इस तरीके की चीजें में नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर ये मीथेन के साथ एसोसिएटेड है तो सोचने समझने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि मीथेन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुई तो क्या तुरंत एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हुई, वो कहां पे पैक हो गई कि एकदम से उसने इतनी जमीन उठा दी। तो अगर मीथेन कारण है तो ये चीज देखने वाली होगी, और अगर कुछ और कारण है तो वो डेफिनेटली हमारे साइंटिस्ट हमको पॉइंट आउट करेंगे। जब भी वीडियो आएगी इसके रिस्पेक्ट में, इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं डेफिनेटली आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए स्पेकुलेशन बंद करिए। मीथेन कैन बी वन रीजन, बाकी जितने भी उल्टे सीधे आपके रीजंस निकल के आ रहे हैं कि इतनी मीथेन होती तो अगल बगल के आदमी लोग मरने लगते, उनको प्रॉब्लम होने लगती, ये सब देखिए बेकार एक्सप्लेनेशन है। अर्थक्वेक और आपका ये वोल्केनो का कोई मतलब बनता नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स दूर दूर, मतलब बहुत 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से,
तो आई होप चीजें थोड़ी क्लैरिफाइड हो गई होंगी। तो जो भी लोग मैसेज भेज रहे हैं उनको मेरा ये है कि देखिए इस प्रकार की चीजों में स्पेकुलेशन मत करिए, ठीक है ना, बहुत साइंटिफिक अप्रोच इसमें होनी चाहिए। थोड़ी सी अलग चीज है तो हमारे साइंटिस्ट को भी हो सकता है लग जाए 2-3 दिन इस चीज को पूरी तरीके से जस्टिफाई करके आपके सामने सॉल्यूशन लाने में। जब भी जस्टिफिकेशन आएगा आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट या फिर करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।